इसराइल और हिजबुल्ला अब जंग के मैदान में आमने सामने हैं। वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ लेबनान पर जमीनी हमला करने की तैयारी में लगी है। हालांकि हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्लाह ऐलान कर चुके हैं कि वो वर्षों से इजरायली सेना का लेबनान की धरती पर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच यमन के हुती की इस युद्ध में सीधे एंट्री हुई है। हुती का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने हजारों लड़ाके इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए लेबनान भेजेगा। और यही वजह है कि अब हुती इसराइल पर सीधे हमले कर रहा है। दरअसल हुती ने इसराइल के तेल अविव शहर पर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में हवाई हमले के सायरन बजने लगे और पूरे इलाके में भगदड़ जैसे हालात बन गए। वहीं एश्केलोन सेटलमेंट से तो इस मिसाइल को साफ देखा गया। हालांकि इजरायली सेना का कहना है कि उसने यमन की तरफ से फायर की गई एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। आईडीएफ ने टेलीग्राम पर एक बयान में कहा कि मिसाइल यमन की तरफ से दागी गई है, जिसे एरो एरियल डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया। मिसाइल को हवा में ही मार गिराने के बाद सायरन और धमाके की आवाज सुनी गई। मिसाइल के नुकीले पंख नीचे आकर गिरे। वहीं इस हमले को लेकर इजरायली मीडिया का कहना है कि करीब 20 लाख सेटलर्स मिसाइल के डर की वजह से शेल्टर्स की तरफ भागे। इस दौरान भगदड़ मची, जिसमें करीब 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और इस हमले की वजह से बेन गुरियन एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही तक रोकनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ लेबनानी न्यूज एजेंसी अल मयादीन ने कहा कि हुती ने यह हमला एक से ज्यादा टारगेट्स पर किया था और इसराइल को ये समझना चाहिए कि अब तेल अविव यानी याफा सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि इस हमले से पहले हुती के प्रमुख अब्दुल मलिक अल हुती ने एक टीवी संबोधन में इसराइल को बहुत बड़ी धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि इसराइल के खिलाफ हुती लेबनान और हिजबुल्ला का समर्थन करने से हिचकिचाएगा नहीं। अब्दुल मलिक ने यह भी कहा था कि इसराइल हुती को लेबनान और गाजा की मदद करने से रोकना चाहता है। हालांकि वो लगातार यमन में हमले कर रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आईडीएफ ने हिजबुल्ला पर हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। लेकिन इसके बावजूद हुती का कहना है कि नेतन्याहू हिजबुल्ला को हल्के में ना ले, वो पहले के मुकाबले और ज्यादा ताकतवर हुआ है।